बाकी अपना कोई झांट का बाल टेढ़ा नहीं कर सकते। दुर्लभ भाई के लिए तो मैं आप लोगों के पास में आया था। वो आ जाएंगे कल, आ जाएंगे, उनकी जमानत है कल। उसको मारा था ना परसों अपन ने, तो मैं कल ज्यादा नशे बत्ते में था तो मैंने सर्वर फाड़ दिया उसका। ऐसा चुन चुन के बदला लेंगे हम। महाकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों यार मैं पहुंच चुका हूं एक बार फिर से हेलवाड़ी उज्जैन के उसी इलाके में जहां पे अपने भाई दुर्लभ केशव का मर्डर हुआ था। पता गाइस जाएंगे लकड़ी आगे की तरफ है, और ये जो मतलब हेलवाड़ी का रेलवे स्टेशन है गाइस, देख सकते हो मतलब सामने से अभी ट्रेन आ रही है और कुछ लोग बंदे इधर खड़े हैं। मतलब जाए तो आए थे तो उन्होंने बताया था कि ट्रेन का सीन दिखा दिया। ट्रेन देख सकते हो मतलब काफी स्पीड से निकल रही है यहाँ से, और इसके अंदर थोड़ी सी वॉइस में नॉइस आ रही होगी गाइस। थोड़ा सा रुक जाते हैं, ट्रेन को निकल जाने देते हैं, फिर चलते हैं। कुछ भाई लोग यहाँ पे खड़े गैंगस्टर वगैरह, तो उन लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ यार, मतलब दुर्लभ भाई का जो बदला था गाइस वो अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो इनसे पूछते हैं कि ये बदला लेते या नहीं लेते, तो आगे चल बात करते हैं उनसे। तो आ जाओ गाइस, यहाँ पे मतलब गैंगस्टर है जो जिनसे हम लोगों को बचकर रहना पड़ता है। चलता आ रही है तरफ, चले जय श्री महाकाल भाई हो। जय श्री महाकाल। और कैसे हो भाई? बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ यार, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई यार। कहाँ रहते हो आप लोग? मैं चाय की टपरी में जाके आया था यार। अभी तो थोड़ा काम वाम से जाके आया यार भाई यार। अच्छा, काम से जाके आए थे? अरे यार इनका भाई का क्या केस वेस चल रहा है ना। अच्छा हाँ, इन भाई ने मुंह क्यों बंद रखा यार? दिक्कत है इसलिए, कोई डरने वरने की तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अपना कोई झांट का बाल टेढ़ा नहीं कर सकते। वो तो यही है यार, पिछली बार भी आप दुकान पे इंटरव्यू लेता है ना। और कैसे हो? बस दुआ है, मस्ती रहना चाहिए यार। बंदा भी बिल्कुल यार, एरिया खाली सा हो गया, क्या बात है? अभी कोई थाने आने में लपड़े हो गए थे ना यार। अच्छा, थाने में लपड़े हो गए? तो गाइस मतलब यहाँ पे क्या है कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप लोगों को पता है गैंगस्टर इलाका है। और जो बंदे थे भाई की टीम के, मतलब पता नहीं भाई बता रहे थाने वाड़े में बंदे, वो आ जाएंगे कल, आ जाएंगे, उनकी जमानत है कल। जमानत है? हाँ कल आ जाएंगे अपने, इतना टाइम ऑडी लगता है तो नहीं। वो तो सही बात है, लेकिन यार ऑडियंस बोल रही है कि मतलब दुर्लभ भाई का वो जो बदला नहीं ले रहे, बदला नहीं ले रहे, क्या बात है? ट्रक मंगा लिए भर के, सबकी गाड़ी सब एक एक को। यार वो बात तो सही है, लेकिन मैंने सुना भी था बीच में मतलब कि आप लोगों ने कुछ हथियार वगैरह मंगवाए थे यार मार्केट से। आ चुके हैं, बाकी अब थोड़े धीरे धीरे निकालेंगे। अच्छा अच्छा, ये कौन ले? ये भी मेरे को लगता है गैंगस्टर ही है ना। हाँ ये अपने इधर के, इसको मारा था ना परसों अपन ने। आप लोग उधर क्यों नहीं बैठते हो यार? उधर बंद कर दिया ना, उधर ही तो झगड़ा हुआ था हमारा। अच्छा मतलब वहाँ पे मर्डर, हम क्या बैठे थे, हम 20-25 लोग। तो दुल्लभ भाई और हमारे गैंग के आदमी बैठे थे सब, तो इनको कोई गाली वाली बक दी थी इनके दोस्त यारी में। अच्छा, तो हमने बोला था यार भाई तू गाली वाली क्यों बक रहा है यार, ऐसे बोलते यार। तो बोले नहीं इसकी फलाना दादागिरी करने लग गया। तो मैं पाइप, मैंने पाइप था मेरे पास, तो मैं कल ज्यादा नशे बत्ते में था तो मैंने सर्वर फाड़ दिया उसका। और तेरी उसकी माँ छूट गई। अभी हम भी जाके आए थे उधर, लेकिन कुछ बंदे थे तो वो खून वगैरह नहीं, अभी देखा नहीं था क्या, खून वगैरह पड़ा है? पड़े थे, बंद पड़ी थी टपरी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बंद है वो, तो कल थाने में लेके गए थे हमको। अच्छा, तो कल जमानत होगी हमारे। तो फिर यार आप ये क्लियर कर दो ऑडियंस के सामने कि मतलब दुर्लभ भाई का बदला जो लोगे ना, वो तो लेंगे सामने लोगे यार। देखो यार मौत हुए मतलब कि दो ढाई साल होने वाले, मतलब तो यार अब बदला लेना पड़ेगा ना। लेंगे तो सर यार, भाई मारेंगे ऐसा चुन चुन के बदला लेंगे हम, है ना? तो गाइस भाई लोगों का मानना है कि मतलब कि दुर्लभ भाई का जो बदला है वो इसी साल में लिया जाएगा। और भाई लोगों ने पूरी तैयारी कर ली गाइस, 5 लाख रुपए का हथियार मंगा लिए भाई लोगों ने। और जो गैंग के बंदे उनका थोड़ा सा क्या पुलिस मैटर चल रहा था, जैसे वो जमानत से बाहर आएंगे ना गाइस उसी दिन केस रफा दफा कर दोगे, मतलब है ना। और सल वगैरह वो कदर रहते यार आजकल, उसकी मार चौदाते यार, मां का भोसड़ा उसकी मां को चाटने देने यार, गैंग कहता है अपन को। अच्छा, तो गाइस मतलब भाई का काफी क्रेज है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, मतलब ये किसी को नहीं मानते कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, मतलब भाई डोन है इसके हिसाब से। एक भाई दुर्लभ के सब थे जो आप वो सबका गुरु था ना, गुरु तो है मतलब बात माननी पड़ती है यार। भाई मतलब काफी जिगर वाला था बंदा, है ना। बस उसमें क्या, हर चीज में कोई गैंग से ऊपर चल जाता ना उसमें एटीट्यूड आ जाता है, एक बात है उसमें एटीट्यूड नहीं आता उसमें, बिल्कुल बंदा बिल्कुल जिगर वाला था, प्यार करते बहुत। गाइस देख लो मतलब दुर्लभ भाई आज ही भाई के दिल में बसे हुए हैं, पूरे राजस्थान में आज उसका नाम है, पूरे राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में ही है यार। मतलब काफी जगह ऐसी मतलब दुर्लभ भाई के मतलब पोस्टर बनवा रखे लोगों ने, घर में तस्वीरें लगा रखी है, अपने भी लगा रखी है, आपने भी लगा रखी है ना यार अपना यार। अच्छा सही बात है यार, तो आप तो अभी लड़ाई झगड़े में काम करते हो? वो तो काम चल रहा है अपना, तो यार जो काम है वो तो रहेगा भाई लोगों का, मतलब लड़ाई झगड़े का काम है वो तो है ही। बाकी गाइस मेरी भाई से काफी अच्छी दोस्ती है,
जब भी आता हूँ भाई कभी भी इंटरव्यू लेके मना नहीं करते गाइस। प्लीज यार आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और मतलब गुरलू भाई के बारे में जो बदले की वो है गाय नहीं, वो बोल रहे हैं भाई मतलब जो बंदे बाहर आएंगे ना तब आप मेरे को एक बार कॉल जरूर करना यार, जरूर भाई, क्योंकि उन लोगों से भी मिलवाना जरूरी ऑडियंस को, ठीक है ना। कितने बंदे होंगे उस गैंग में? हमारे गैंग है 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग हैं गैंग में ना यार, उन लोगों से मेरे को अभी मतलब पूरा ओपन ही है। गैंग गैंग के आदमी तो बहुत है, बाकी पूरा ओपन नहीं कर रहा है ना, तो जो भी काम कर रहे हैं ना आप थोड़ा गुप्त में कर रहे हैं। गुप्त में हाँ, क्योंकि ओपन जो होगा फिर मामला ज़्यादा होगा, पुलिस पुलिस का डर ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। और अभी इस एरिया के अंदर अभी मैं वहाँ से आया था तो पुलिस की गाड़ी तीन चौराहे पे घूमती रहती है यहाँ पे, तभी तो हम इधर खड़े तीनों भाई। अच्छा तो भाई यहाँ पे क्या पुलिस का ज्यादा डर है, तो भाई लोग मतलब कि ऐसे एरिया के अंदर आके खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले, मैं बताऊँ आपको इस भाई को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैटर करा था ना परसों। अरे यार गाइस गैंगस्टरों का काम तो मतलब आप भारी होता है यार, लेकिन भाई लोग जो है मतलब अब क्या करें, मतलब शुरू से काम आपका यही है ना। चलो तो यार एक बार मैं वापस आऊँगा, आप मेरे को कॉल जरूर करना, वो जमाने से जैसे बाहर आए ना। हाँ भाई जब मेरे को कॉल कल आ जाएंगे भाई, कल 12 बजे छूट जाएंगे रात को, कल 12 बजे छूट जाएंगे तो अंडरग्राउंड साथ में सबकी गांड मारेंगे, बाकी वापस आते हैं परसों लड़ाई मतलब ओपन नहीं करना अपने को, देखो अपन जो बात है मतलब भाई लोगों को बताना चाहते हैं बस, जरूर भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप मेरे को कॉल कर देना इधर साइड में इंटरव्यू दे देंगे, ठीक है ओके। चलो ठीक है अभी तो चलते हैं, अकेले मत आ जाना। अरे नहीं यार ऐसे नहीं करो यार, ठीक है भाई। हाँ ठीक है ना ओके भाई। तो गाइस मतलब भाई लोगों ने बताया था कि यार जो बंदे थे वो जमाने की जैसे बाहर आएंगे तो उनसे मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा गाइस, भी आगरा जाऊँ। चलो तो अभी के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ से इस एरिया के अंदर पुलिस वाली गाड़ी घूमती रहती है, और इन भाइयों पर क्या कि केस लगा हुआ, तो इनके चक्कर में हमको पुलिस नोटल, इसलिए हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।